जय हिंद दोस्तों, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपनी पहचान आपको एक नए रूप में बताऊंगा। ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले तो मैं, आज 75 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, इसके लिए सबसे पहले तहे दिल से उन फ्रीडम फाइटर्स का शुक्रिया करूंगा जिनके वजह से वास्तव में हमें आजादी का दिन मनाने का मौका मिला। इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि हमने भारत को आजाद इसलिए किया था कि हम चाहते थे कि भारत जैसे हमारे दिलों में सबसे ऊपर है वैसे दुनिया में सबसे ऊपर। पर आज आप जानते हो कि दुनिया में अगर हमें सबसे ऊपर होना है तो ना ये दौर है एजुकेशन। हमें एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। एजुकेशन को हर उस हिस्से तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक उसे पहुंचाना चाहिए। हम आज दृढ़ संकल्प लेते हैं, मैं भी लेता हूं एज एजुकेटर, आप भी लीजिए दृढ़ संकल्प कि आज हमें एजुकेशन को केवल इसलिए नहीं कि हमें पास होना है बल्कि इसलिए पढ़ना है। आज हमें अपनी एजुकेशन को इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि हम भारत को आगे ले जाना है। हमें अपने गोल्स को, जो हमने गोल्स अपने अचीव किए हैं, किसी ने IAS बनने का, किसी ने IPS बनने का, किसी ने सिविल जज बनने का, जो हमने गोल अचीव किए हैं, जो हमने गोल सोचे हैं, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। और अगर आप मिलके मेहनत करोगे, प्रयास हम भी करेंगे, हमारा चैनल करेगा, हमारी अकेडमी आपके साथ मिलके करेगी, हम सारे लोग मिलके क्या करेंगे, एजुकेशन को पाने की कोशिश करेंगे और वास्तविकता में जो एजुकेशन है उसको पाने की कोशिश करेंगे और एजुकेशन को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां पर अभी वास्तव में एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि एक देश को विकसित होने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, एक देश को विकसित होने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। तो यही कामना करूंगा, आप लोग बेहतर पढ़ेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने लिए, अपने मां बाप के लिए और सबसे पहले अपने देश के लिए। बाकी जय हिंद दोस्तों।